नम्रता मेरी दवा लेके आओ, 10:30 बज गए हैं। आई माँ जी। आज दवा देने में फिर देर कर दी। पता है डॉक्टर ने क्या कहा है कि ठीक 10:30 बजे दवा लेनी है। जी माँ जी, ये लीजिए। इतनी रात को कहाँ जा रही है रचना? घूमने जा रही हूँ माँ जी। बाय दीदी। समीर, समीर जल्दी चलो, देर हो रही है। समीर भैया, आप इतनी रात को कहाँ जा रहे हो घूमने? आप ही की बहन को सैर कराने ले जा रहा हूँ भाभी। हाँ हाँ ठीक है, और मैं फिर से बोल रही हूँ, समीर के सामने कुछ भी मत बोलना। हाँ रखती हूँ। क्या बात है, बड़े खुश लग रहे हो, किससे बात कर रहे थे? अरे क्लाइंट से मीटिंग की बात चल रही थी काफी टाइम से, आखिरकार मान ही गया। क्या बात कर रहे हो, रचना मान गई? फिर से वही बात, तुम मुझ पे शक क्यों करते हो कल्पना? तुम इतना झूठ क्यों बोलते कपिल? अच्छा तुमसे बात ही नहीं करनी, बाहर में जा रही। हाँ हाँ जाओ जाओ, रचना को इतना वेट करना ठीक नहीं है, जाओ। अब तुम ऐसे ही मेरी सारी बात मानते रहो, फिर देखना हम कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे। ए तुमने घर पर किसी को बताया तो नहीं ना कि हम कहाँ जा रहे हैं? नहीं। समीर, समीर नहीं है क्या? वो रचना को लेकर बाहर गया है। आज आपको काफी देर हो गई आने में। हाँ वो देर हो गई। सोचा था शादी के बाद समीर जिम्मेदार बन जाएगा, लेकिन रचना ने तो उसे और बिगाड़ दिया। ना खर्च पे लगाम है और ना जुबान पर। उसकी माँ ने उसे कुछ सिखा कर नहीं भेजा क्या? माँ बस भी करो। और वैसे भी समीर तो पहले से ही ऐसा है, उसने कब जिम्मेदारी उठाई? हाँ लेकिन रचना को उसे समझाना चाहिए ना, अब तक दोनों घर नहीं लौटे। विनय बेटा, उसका वो दोस्त है ना मनु, उसे फोन कर, उससे पूछ, कुछ पता तो लगे दोनों कहाँ गए हैं। अब इतनी रात को क्या फोन करूँ माँ, और ये कोई नई बात तो है नहीं, आ जाएंगे वो। दोनों के फोन बंद आ रहे हैं, तू पता कर वरना मुझे नींद नहीं आएगी। सर जेब में ना वॉलेट है ना कोई आईडी प्रूफ, फोन भी नहीं। मारने वाला वॉलेट ले गया, लेकिन नोटों की गड्डी यहीं छोड़ दी। मर्डर पैसों के लिए नहीं हुआ। आप लोगों में से सबसे पहले लाश किसने देखी थी? जी सर, लाश को सबसे पहले मैंने देखा। किसी को आते जाते देखा? नहीं सर, बस ये देखा और मैंने आपको फोन। कपड़े फटे हुए, शायद रेप हुआ है। सर आसपास कोई मोबाइल या पर्स नहीं मिला। कपड़ों से अच्छे घर की लड़की लगती है, पर शादीशुदा है, गले में मंगलसूत्र है। एक शादीशुदा औरत अकेले यहाँ क्या कर रही थी? तो हो सकता है वो यहाँ किसी और के साथ आई हो, उसी ने इसे मारा। एक शादीशुदा जोड़ा घर से एक साथ निकलता है और कुछ घंटों बाद अलग अलग शहरों से दोनों की लाशें बरामद होती हैं। समीर की लाश उज्जैन पुलिस को मिलती है और रचना की लाश इंदौर पुलिस को, और दोनों जगहों की पुलिस को एक दूसरे के मर्डर केस के बारे में कोई खबर नहीं थी। इस जोड़े की हत्या के पीछे क्या मकसद था? रफ्तार से आगे बढ़ रही इनकी जिंदगी पर मौत की लगाम आखिर किसने और क्यों लगाई थी?
नम्रता दीदी, दीदी क्या हुआ, कहाँ खोई हुई हो? समीर और रचना कल रात से वापस नहीं आए, उन्हीं के बारे में सोच रही थी। तेरा भाई अभी तक घर नहीं लौटा है, रात से सुबह हो गई है। चिंता मत करो माँ, आ जाएंगे दोनों। मनु को भी बोल दिया मैंने पता करने को। सुनिए, मुझे भी उनकी फिक्र हो रही है, से इतनी देर तक बिना बताए। अरे यार बेकार में ही घबरा रहे हो तुम दोनों। विनय तो अभी के अभी पुलिस स्टेशन जाओ और रिपोर्ट लिखवा। पर मैं कह रहा हूँ बेकार में चिंता कर रहे हो तुम दोनों, कुछ नहीं हुआ होगा समीर और रचना को। लड़की को गला दबाकर मारा गया है, किसी मजबूत हाथों ने जोर से गला दबाया होगा जिस वजह से विंड पाइप चोक हो गई। मौत का वक्त कल रात करीब 11 से 1 बजे के बीच, पहले लड़की को बेहोश किया गया है फिर गला दबाया गया है। पहले इसे बेहोश किया फिर मारा है? जी हाँ, लड़के के ब्लड में नशीली दवा के ट्रेसेस मिले। विक्टिम के कपड़े फटे हुए थे, रेप? उसके लिए मुझे डिटेल में पोस्टमार्टम करना होगा। लड़की के प्राइवेट पार्ट्स में इंजरीज हैं जो फोर्स सेक्स के कारण होती है, अभी दावे से कुछ नहीं बोल सकता। सर, लड़की की फोटो को आसपास के सभी थानों में भिजवाया है, अगर कहीं भी कोई मिसिंग कंप्लेंट होगी तो जल्दी पता चल जाएगा। बेटा आज शाम को तैयार है, शर्मा जी अपनी पत्नी और बेटी अदिति के साथ हमारे घर आ रहे हैं। मुझे शादी नहीं करनी, आपको पता नहीं ये बात कब समझ आएगी। देख बेटा उस बात को 8 महीने बीत चुके हैं, अब तो आप ये शादी की बात छोड़ेंगे या मैं घर छोड़ दूं? भैया पुलिस स्टेशन गए हैं शिकायत लिखवाने। हाँ मनु बेटा, समीर और रचना कल रात से घर नहीं लौटे, उन दोनों के फोन भी बंद आ रहे। मनु, समीर ने तुम्हें कुछ बताया था क्या कि वो कहाँ जाने वाले हैं? नहीं भाभी, समीर ने तो इस बारे में मुझे बिल्कुल कुछ भी नहीं बोला। आज के बाद दोबारा ऐसा घटिया मजाक किया ना तुमने तो जान से मार दूं। उज्जैन पुलिस को इसकी लाश भी 18 सितंबर को मिली। जी सर, इस लड़के की भी कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं मिली, लेकिन हैरानी की बात यह है कि मौत का वक्त और मारने का तरीका बिल्कुल सेम है। हमें जिस लड़की की लाश मिली थी उस केस के डिटेल्स इस केस के डिटेल्स से काफी मैच करते हैं। उज्जैन के माधव चौक पुलिस स्टेशन के PSI अनिरुद्ध से मेरी बात हुई। तुमने जिस लड़की की फोटो और डिटेल्स भेजी है उसे पढ़ते ही मुझे लगा कि शायद ये दोनों विक्टिम्स कनेक्टेड हैं। क्या ये दोनों विक्टिम्स उज्जैन के हैं? ये तो पता नहीं कि उज्जैन से इंदौर से, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से लड़के की भी मौत 17 सितंबर की रात 11 से 1 के बीच, पहले नशीली दवा देकर बेहोश किया गया और फिर गला घोटकर मार दिया गया। प्रशांत, इस लड़के की फोटो इंदौर के सभी पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट कर दो और खबरियों को काम पर लगा दो, पता तो चले ये दोनों विक्टिम एक दूसरे से कनेक्टेड है भी या नहीं। पुलिस और खबरियों ने इंदौर और उज्जैन में जगह जगह दोनों विक्टिम्स के बारे में पूछताछ की और जल्द ही उन्हें पता चल गया कि वो दोनों विक्टिम्स समीर शुक्ला और रचना शुक्ला थे। हाँ सर, समीर मेरा छोटा भाई और रचना उसकी पत्नी। सर कुछ खबर मिली उनकी, वो लोग 2 दिन से घर नहीं आए। ढूंढेंगे कैसे, आप लोगों ने उनकी मिसिंग कंप्लेंट भी नहीं लिखवाई। ये क्या कह रहे हैं आप, विनय ने खुद जाकर थाने में रिपोर्ट लिखवाई थी। माँ मुझे लगा कि थोड़ा रुक जाता हूँ, शायद वो दोनों अपने आप ही वापस आ जाएं। तूने मुझसे झूठ क्यों बोला? सर समीर और रचना अब कहाँ हैं? हमें उन दोनों की डेड बॉडीज मिली। क्या क्या? समीर, अरे समीर, आज तो फिर मेरी बाइक लेके भाग नहीं फिराक में। भैया प्लीज ले जाने दो ना, आज कॉलेज में रोज डे। समीर मुझे काम पर जाना है, मैं कैसे जाऊंगा, बस में जाना पड़ेगा मुझे। प्लीज भैया, प्लीज सिर्फ 1 दिन के लिए, आज रोज डे है ना इसलिए।
ठीक है, जा ले जा। थैंक यू सो मच। मैंने कुछ पूछा है मैंने तुम्हें, सुन रहे हो तुम? सॉरी सॉरी सर, आप कुछ कह रहे थे? तुम्हारे भाई समीर की किसी के साथ दुश्मनी थी? नहीं। रचना का किसी के साथ झगड़ा हुआ था? क्योंकि मारने से पहले उसके साथ जबरदस्ती की गई है, शायद नहीं। कुछ बता सकते हो कि ऐसा कौन कर सकता है? तुमने मिसिंग कंप्लेंट क्यों नहीं लिखवाई और अपनी बीवी और माँ को झूठ क्यों कहा कि लिखवाई है? सर मेरा भाई, मैं कुछ, सर इस वक्त मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, फिलहाल के लिए जा सकते। ये विनय वाकई में इतना प्यार करता था या एक्टिंग कर रहा है? ये समीर और रचना, इनका कत्ल एक ही तरीके से हुआ है, लेकिन इनकी डेड बॉडीज हमें अलग अलग शहरों में मिली। सर ये सब कुछ पूरे प्लानिंग से किया गया है, और शायद एक से ज्यादा लोग शामिल हैं। ये शुक्ला परिवार के भाइयों के बीच रिश्ता कैसा था ये पता करो, क्योंकि अक्सर जब रिश्तों में लाइन क्रॉस होती है ना, न्यूज़पेपर की हेडलाइन बन जाती है। क्या हो पापा, ऐसे हड़बड़ा क्यों रहे हो? कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं। पापा सोशल मीडिया का जमाना है, बाहर आजकल से अखबार तक नहीं रहते। तूने रचना के बारे में पढ़ा? हाँ, बुरा हुआ। पृथ्वी बेटा, तू ठीक तो है? हाँ पापा, मैं ठीक हूँ। आप चाहते थे ना मैं अदिति से मिलूं, मैं तैयार हूँ। तुम्हें मेरी बात मान लेनी चाहिए थी रचना, ये सब नहीं होता। क्या हुआ? रचना, मेरी मेहंदी का रंग कितना अच्छा आया ना, देख। तू सच्ची रो रही है? चुप कर, मैं कहाँ रो रही हूँ? नहीं, तेरी तो सिर्फ आंखें लीक कर रही है ना? सच बता, मुझे मिस करेगी इसलिए रो रही है ना? मैं तुझसे कह रही हूँ, जब तेरी शादी होगी ना तब तू। दीदी, क्या शादी? शादी शादी मतलब बिना पगार की नौकरी। पति को खुश रखो, सास को खुश रखो, और अपने सभी सपनों पर ताला मार के बंद कर दो। मुझे नहीं करना। क्यों नहीं करनी शादी? मैंने नम्रता के देवर समीर से तेरे रिश्ते की बात चलाई है, बहुत अच्छा लड़का है और तुझे पसंद भी करता है। माँ पसंद नहीं, पूरा लट्टू है रचना पर। देख रचना, मैं तुझे अभी समझा रही हूँ, तो सुधर जा। आसमान में नहीं जमीन पर रहना है हमें। माँ जी, आपकी दवाई का वक्त हो गया। मुझे समझ नहीं आ रहा, विनय ने मुझसे झूठ क्यों बोला? उसने रिपोर्ट क्यों नहीं लिखवाई? मुन्नू, तुम समीर के बचपन के दोस्त हो, उसे अच्छे से जानते हो। हाल फिलहाल में उसका किसी के साथ लड़ाई झगड़ा या कहा सुनी हुई थी? आज के बाद दोबारा ऐसा घटिया मजाक किया ना तो जान से मार दूं। नहीं सर, इस बारे में तो मैं कुछ नहीं जानता, लेकिन आपको एक बात बताना चाहता हूँ, समीर और विनय भैया के रिश्ते के बारे में। साहब, विनय भैया और समीर के बीच में पहले तो सब कुछ ठीक था, लेकिन 8 महीने पहले जब से समीर और रचना की शादी हुई तब से सब कुछ बदल गया। लेकिन रचना तो विनय की बीवी नम्रता की सगी बहन थी ना? जी सर, लेकिन नम्रता भाभी और रचना में बहुत फर्क था। जहाँ भाभी ने आज तक पूरे परिवार को संभाल के रखा, वहीं रचना ने उन्हें आते ही अलग कर दिया। माँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आज इतने सालों बाद अचानक मेरी दुकान और आपका टिफिन बिजनेस वाली बात क्यों उठ रही है? क्योंकि समीर को अपने हक का एहसास हो गया है। जीजा जी, हक का एहसास तो तुमने करवा दिया रचना, तो अब लगे हाथ इसे जिम्मेदारी का एहसास भी करा दो। एहसास तो आपको होना चाहिए ना जीजा जी, समीर कोई छोटा बच्चा नहीं है जो आप उस पर अपना हुक्म चलाते रहे और वो चुपचाप सुनता रहे। रचना, ये कोई तरीका है अपने जीजा जी से बात करने का? तरीका तो इनका गलत है दीदी, छोटे भाई का हक छीन रहे हैं ये। मैं हक छीन रहा हूँ अपने छोटे भाई का? सही तो कह रही है भैया, क्या गलत कहा रचना ने? लेकिन समीर भैया, इन दोनों से कुछ बोलने का कोई फायदा नहीं है। इसके बाद से उनके घर में काफी तनाव रहने लगा। आपने खाना नहीं खाया तो दूध तो पी लीजिए।
माँ ने कुछ कहा क्या तुमसे? विनय ने मुझसे झूठ क्यों बोला? उसने रिपोर्ट क्यों नहीं लिखवाई? नहीं, मगर आपने पुलिस में शिकायत क्यों नहीं की? तुम मुझ पे शक कर रही हो? विनय, देखिए मैं आपका दर्द समझती हूँ। मैं भी रचना से उतना ही प्यार करती थी जितना आप समीर से। सर, समीर के कॉल रिकॉर्ड बिल्कुल क्लीन है, लेकिन सर रचना के कॉल रिकॉर्ड्स में ये एक नंबर है जिससे बार बार कॉल्स आते हैं। सर ये नंबर किसी कपिल चौकसी के नाम पे रजिस्टर्ड है। सर फिलहाल ये नंबर स्विच्ड ऑफ है, लेकिन हमें कपिल चौकसी का एड्रेस मिल गया है। और ये नंबर जिस पर रचना की आखिरी बार बात हुई थी, ये किसका है? और मैं फिर से बोल रही हूँ, समीर के सामने कुछ भी मत बोलना। सर ये नंबर किसी हरीश अय्यर के नाम पे रजिस्टर्ड है, फिलहाल ये नंबर स्विच्ड ऑफ है, पर इसका एड्रेस फेक है। इस कपिल चौकसी को उठाकर लेकर आ और हरीश अय्यर के बारे में पता करो। अच्छा यही होगा कि आप हमें सच सच बता दें कि आपके पति कपिल इस वक्त कहाँ हैं। सर मेरा उस आदमी के साथ कोई वास्ता नहीं है। कपिल क्या हुआ, इतना डरे हुए क्यों हो? हाँ क्या किया तुमने? मैंने कुछ नहीं किया है। मैं भी तुम्हें कुछ नहीं बता सकता। अगर पुलिस रचना के बारे में पूछे तो पुलिस को बता देना कि मैं रचना के बारे में कुछ नहीं जानता। अभी मुझे जाना होगा। कपिल, आपके पति कपिल का रचना के साथ अफेयर था, ये बात आपको पता भी थी, पर फिर भी आपने कुछ नहीं किया। घर वालों से बगावत करके मैंने कपिल से शादी की थी, उनके पास वापस कैसे जाती? रचना की वजह से मेरी बसी बसाई जिंदगी बिखर गई। तो रचना की मौत की खबर सुनकर आपको तो खुशी हुई होगी? सुनकर तो ऐसे लगा था कि भगवान ने मेरी सुन ली। मैं तुमसे प्यार करने लगा हूं, शादी करोगे मुझसे? मुझे पता है तुम भी मुझसे। कि क्या? कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ? नहीं कपिल, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, ऑनलाइन चैटिंग के वक्त बिल्कुल साफ क्लियर किया था कि मुझे ये शादी प्यार इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो फिर तुम ये बकवास क्यों कर रहे हो? तुम्हें मेरी फीलिंग बकवास लग रही है? कपिल मेरा हाथ छोड़ो, मुझे लग रही है। मैं तुम्हारे साथ प्यार के लिए था, मजे के लिए नहीं। पर इस बात से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता ना? हाँ नहीं पड़ता, मैं यहाँ पर अच्छा टाइम बिताने आती हूँ, जो कि तुमने पूरा खराब कर दिया है। कपिल चौकसी, अफेयर, आप ये क्या कह रहे हैं? आप किसी हरीश अय्यर को जानती हैं? रचना के मर्डर से पहले आखिरी बार उसने इसी से बात की। मैं किसी हरीश अय्यर को नहीं जानती। कौन है ये? क्या इसका भी रचना के साथ अफेयर? आपके पति विनय कहाँ हैं? आपको जो कुछ पूछना आप पूछ सकते हैं सर। नम्रता, उस रात विनय काफी देर से घर लौटा था ना? 17 सितंबर की रात को मेरा टेम्पो बिगड़ गया था सर। गैराज का रसीद है मेरे पास, जहां से मैंने टेम्पो ठीक करवाया था। समीर और रचना 17 सितंबर को गायब हुए और 20 सितंबर तक तुमने उनकी मिसिंग कंप्लेंट नहीं लिखवाई थी, क्यों? क्योंकि समीर की शादी के बाद ऐसा 2-3 बार पहले भी हो चुका था। समीर और रचना अक्सर बिना बताए घूमने चले जाते थे, मैंने सोचा 1-2 दिन में लौट आएंगे। सर यही सच है। और दुकान के किराए के पीछे हुए झगड़े का सच वो क्या था? सर रचना के उकसाने पर हमारे बीच झगड़ा हुआ था, लेकिन समीर हमेशा से जिद्दी रहा है, ये मनमानी करना उसके लिए कोई नई बात नहीं थी। समीर और रचना की शादी को सिर्फ 8 महीने हुए थे और इन महज 8 महीनों में ही समीर और उसके बड़े भाई विनय के बीच अलगाव पैदा हो गया था। ये बात भी सामने आई थी कि शायद रचना का किसी कपिल चौकसी के साथ अफेयर था, लेकिन अब जो खबर सामने आने वाली थी वो शुक्ला परिवार को पूरी तरह से झकझोर कर रख देने वाली थी। तुझे क्या लगा था तू बताएगा नहीं तो हमें पता नहीं चलेगा? बोल, समीर के मर्डर से 1 दिन पहले तुम दोनों का किस बात को लेकर झगड़ा हुआ था? आज के बाद दोबारा ऐसा घटिया मजाक किया ना तो जान से मार दूं। तुझे भरोसा नहीं है ना मेरी बात पे?
ये देख, देख अपनी आंख से। ऐसा क्या था उस वीडियो में कि समीर के होश उड़ गए? बता दो। रचना का सच जो इत्तेफाक से मेरे सामने आ गया सर, वो कुछ 3-4 हफ्ते पहले मेरा दोस्त पंकज इंदौर से आया हुआ था। हम दोनों होटल के कॉरिडोर से बाहर आ ही रहे थे कि वहाँ मुझे रचना दिखी। वो किसी आदमी के साथ थी। मुझे देखकर ये बहुत झटका लगा। मेरे कुछ समझ में नहीं आया तो मैंने तुरंत अपना फ़ोन निकाला और उनके कमरे में अंदर जाने की वीडियो बना ली ताकि समीर को दिखा सकूँ। कौन है आदमी? सिर्फ एक आदमी नहीं है, मैंने उस होटल के वेटर से बात भी की है। हाँ साहब, ये मैडम अक्सर यहाँ आती हैं और इनसे मिलने कई साहब आते हैं। मुझे काफी दिन तक समीर को सच बताने की हिम्मत ही नहीं हुई, लेकिन फिर मैंने सोचा कि उसे सच बताना भी जरूरी है, तो मैंने उसे 16 सितंबर को सब सच बता दिया। अगले दिन पता चला कि रचना और समीर दोनों गायब हैं, और फिर उनकी लाश मिली। ये आदमी कौन है? मैं नहीं जानता, लेकिन उस दिन अंतिम संस्कार वाले दिन ये घर पे आया हुआ था। मैं नहीं जानता ये कौन है। अंतिम विधि में ये आदमी आपके घर आया था? आया होगा, मुझे नहीं मालूम। तुम्हारी बीवी नम्रता इस सब के बारे में जानती है? नम्रता, रचना ने जो किया उसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। विनय, आप पुलिस की बात मत सुनो, वो लोग झूठ बोल रहे हैं। रचना ऐसी नहीं थी। पुलिस ने खुद उस होटल में जा करके पता लगाया था जहाँ रचना। रचना बिना जाते जाते हम सबका मुंह काला कर गई। तेरी माँ ने यही सिखाया था क्या उसे? नम्रता, माँ मतलब कुछ भी बोले जा रही हो तुम। पूरे परिवार में इस आदमी को कोई नहीं जानता। यह आदमी अंतिम संस्कार के लिए आया था और इसे कोई नहीं जानता, अजीब बात है। रचना के कॉल रिकॉर्ड्स में कपिल चौकसी और हरीश अय्यर के अलावा और कोई सस्पिशियस नंबर नहीं मिला है, लेकिन रचना से मिलने उस होटल में कई लोग आते थे, तो हो सकता है कि उसके पास कोई दूसरा नंबर हो। रचना के इस दूसरे रूप के बारे में सच में कोई नहीं जानता, ऐसे कैसे? रचना की जिंदगी का सच आखिर था क्या, और इस डबल मर्डर के पीछे कौन था, और उसका मकसद क्या था, और कितने लोगों को रचना का सच पता था? मंगल, हरीश, विनय, कपिल, क्या इतने ही लोग थे जिन्हें रचना ने चोट पहुंचाई थी, या फिर इस लिस्ट में और भी नाम शामिल होने वाले थे? वैसे मुझे पता नहीं था कि तुम हंसते भी हो। मतलब जब पहले मिले थे तो तुम हमेशा देवदास बने फिरते थे। वो एक दौर था जो बीत चुका है। किसी से सच्चा वाला प्यार हो गया था क्या? एक लड़की थी जिससे मैं बहुत प्यार करता था। I'm sorry अगर तुम्हें बुरा लगा तो। अरे नहीं, मैं अब ठीक हूँ। वैसे तुम जिस लड़की की बात कर रही हो वो मेरे लिए 8 महीने पहले ही मर चुकी। जी सर, मैं उसी के घर जा रहा हूँ, पहुँच के अपडेट करता। अंदर कमरे में है। बोल। सर, मैंने रचना को नहीं मारा। तो फरार क्यों हो गया था? मुझे लगा कि सारा शक मेरे ऊपर जाएगा। मैं उससे प्यार करता था सर, मैं उसको क्यों मारूंगा? अच्छा आशिक है रे तू। जब तुझे पता चला कि तेरे माशूका के और भी आशिक है तो तूने उसे और उसके पति दोनों को मार डाला। सर, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता है। सर, मैं तो उससे शादी करना चाहता था, वो भी राजी थी सर। शादी करोगे मुझसे? नहीं कपिल, मुझे ये शादी, प्यार, इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये कौन है, इसे जानते हैं? इसका नाम क्या है? हरीश अय्यर। कितनी देर कपिल? 10 मिनट से तुम्हारा वेट कर रही हूँ, जल्दी आओ। रचना, तुम यहाँ धूप में क्यों खड़ी हो? तुम्हें गर्मी लग रही होगी। मंगल, तुम यहाँ? तुम एक हफ्ते से मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही? वो मैं कॉल करने वाली थी तुम्हें। मुझे लगा ही, इसीलिए मैं नया फोन लेने निकला था। वो पुराना फोन मैंने तोड़ दिया ना, वो यहाँ मार के। क्यों? वो तुम फोन नहीं उठा रही तो गुस्सा आ गया, गुस्से में मैंने यहाँ मार मार के तोड़ दिया फोन। बस 2 मिनट रुक जाओ प्लीज। हाँ रचना, रचना बाहर निकलो, जल्दी भागो यहाँ से, कपिल इसका दिमाग खराब है। रचना बाहर निकलो,
सर फिर आइए, प्लीज यहाँ से चलो। रचना, रचना। कौन था ये? अरे मंगल वर्मा नाम है इसका। एक बार इसने मुझे किसी शादी में देख लिया था। मैंने बस इस पे थोड़ी सी तरस खा के बात क्या कर ली, ये तो पीछे ही पड़ गया। कहता है इसे मुझ में अपनी मरी हुई पत्नी नजर आती है। सर उस दिन रचना काफी घबराई हुई थी, मंगल को देख के उसके पसीने छूट रहे थे। सर इससे ज्यादा मैं मंगल के बारे में कुछ नहीं जानता। सर खबरी जाकिर मंगल वर्मा की खोज पे लग गया है, जल्दी कुछ पता चल जाएगा। और होटल के रजिस्टर में जो भी नाम और पता था सब फर्जी था। ये कपिल खुद को बचाने के लिए झूठ भी बोल सकता है, कहानी सुनाकर अपनी करनी मंगल वर्मा पर डाल रहा है। पृथ्वी, पृथ्वी बेट, मुझे लगा तू रचना को भूल चुका। भूल चुका हूं मैं पापा, शायद वो ऐसे ही खुल गया होगा। कुछ काम था आपको? मैं तो यहाँ आदिति के साथ तेरी शादी की बात करने आया था। और तू? पापा मुझे आदिति पसंद नहीं आई, मैं शादी नहीं कर सकता उसके साथ। साहब ये मंगल वर्मा है ना, साहब ये बलबीर नगर में रहता है, नियति अपार्टमेंट्स करके बिल्डिंग है वहीं रहता है। मंगल वर्मा को उसकी वाइफ ज्योति के मरने का गहरा सदमा लगा था, दिमागी हालत पे काफी अनस्टेबल हो गया था। इनफैक्ट काफी टाइम तक वो अस्पताल में था जहाँ पे उसका ट्रीटमेंट चल रहा था। अभी एक साल पहले हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुआ है। उसके डॉक्टर ने बताया कि कभी कभी वो आपे से बाहर हो जाते हैं, काफी वायलेंट हो जाते हैं, लेकिन किसी भी पुलिस स्टेशन में उसकी कोई वायलेंट या क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं मिली। तुम रचना से कैसे मिले? उसे पहली बार मैंने एक शादी में देखा था, उसे देखकर ऐसा लगा कि उसके रूप में मेरी ज्योति वापस आ गई, इसीलिए मैं उससे बात करने लगा, फिर उसे मिलने लगा। बिल्कुल ज्योति की तरह रखता था मैं उसे। वाओ, थैंक यू सर। खुश हो ना? बहुत ज्यादा। अच्छा मंगल, अब मुझे निकलना होगा, बहुत देर हो रही है। हा? अभी मत जाना प्लीज। एक काम करते हैं, हम ना शादी कर लेते, फिर तुम्हें कहीं जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हाँ हाँ बिल्कुल, लेकिन इस बारे में हम बाद में बात करें। पिछले एक महीने से तुम यही बात की, क्या क्या प्रॉब्लम क्या है? तुम्हारे जिंदगी में कोई और है, तुम मुझसे प्यार नहीं करती, छोड़ना चाहती हो मुझे? नहीं, तुम धोखा नहीं दे सकती रचना, तुम मेरी बीवी हो, सिर्फ मेरी बीवी हो रचना। मंगल, 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 क्या करे? मंगल, 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 मेरी बात सुनो मंगल, इसे फेंक दो मंगल। शादी करोगी मुझसे? वरना? मंगल, मेरे जीजा जी और मेरी बहन अभी घर से बाहर गए, वो जैसे ही आएंगे ना मैं उनसे बात करूंगी। अब अभी ये कांच मुझे दे दो, हाँ प्लीज। उस दिन के बाद मेरी रचना से कोई बात ही नहीं हुई, बहुत फोन किए मैंने उसे, लेकिन इसने उठाया ही नहीं। रचना के साथ कौन से नंबर पर बात होती थी तुम्हारी? 444-1121। रचना ने बेवकूफ बनाया तुम्हें, तुम यहां उसे महंगे महंगे तोहफे देते रहे और वो वहां तुम्हारे साथ साथ चार और लोगों को भी घुमा रही थी। रचना के बारे में ऐसे बात मत करो प्लीज। ये हम नहीं, पूरा इंदौर बोल रहा। तुम नहीं जानते? अरे तुम्हारे जैसे कई आशिक है उसे, उनमें से एक यहाँ जेल में भी है, कहता है कि वो रचना से प्यार करता था और रचना भी उससे प्यार करती। तुम जिस होटल में रचना के साथ जाते थे, रचना वहाँ और लोगों के साथ भी जाती थी। रचना सिर्फ मेरी थी, उसके बारे में बकवास नहीं समझे, उसके बारे में बकवास मत करना, रचना सिर्फ मेरी थी, बकवास बात मत करो। सर सिर्फ रचना के एक चक्कर के बारे में सुन के इतना वायलेंट हो सकते? सिर्फ रचना के प्रोस्टिट्यूशन के बारे में पता चल गया और इसी ने उसे मारा। तुम सही कह रहे हो, मंगल रचना से जिस नंबर पर बात करता था उस नंबर का सीडीआर निकलवाओ, उसमें रचना के और भी क्लाइंट्स के नंबर होंगे, उनसे बात करो, उनका बैकग्राउंड चेक करो। अभी तो सिर्फ दो ही आशिक मिले हैं, पता नहीं लाइन में और कितने आशिक खड़े होंगे। तुमने भागकर अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ही ली थी, वो तो मैंने सही टाइम पर पुलिस को बुलाकर तुम्हें सब कुछ बर्बाद करने से रोक लिया। आगे अपने बयान पर डटे रहना, और अगर मुझ पर भरोसा हो गया हो तो जैसा जैसा मैं कहूँ ठीक वैसा वैसा करना। जैसा तुम कहोगी वैसा ही करूंगा, बस मुझे यहाँ से निकाल लो, मैं तुमसे वादा करता हूँ दुनिया का सबसे अच्छा पति बनके दिखाऊंगा।
तीर निशाने पे लगा, वो बहुत डरा हुआ है। यार जैसा मैं कहूंगी वैसा ही करेगा। हाँ ओके, शायद रचना की मौत मेरी जिंदगी बना दे। कोई बाइक पसंद आई? ऐसी फर्टीचर बाइक लेने से मैं कोई साइकिल ले लूंगा, कोई अच्छी है तो बता। अरे साहब एकदम नई और ताजा माल आया है साहब, आप इसको देखो एक बार। ये अच्छी है। पेपर्स कब तक बनाएगा? पेपर वेपर सब बन जाएंगे, बस आप पसंद करो, मैं नंबर बदल देता हूँ। चल मेरे साथ, तुझे जेल में नया कैदी नंबर देता हूँ। बोल बोल साहब, साहब साहब माफ कर दो साहब, हम कसम खाते हैं हमें उसका नाम नहीं मालूम साहब, हम चोरी गाड़ी जरूर खरीदते हैं लेकिन उनका नाम पता नहीं पूछते हैं साहब। कल तो याद होगी ना तुझे। स्केच आर्टिस्ट को बुला कर इसे स्केच बनवा लेना, और इसे अगर शक्ल याद नहीं होगी ना तो इसकी शक्ल बिगाड़ देना। संदिग्ध कई थे, किसी का नाता समीर से था तो किसी का रिश्ता रचना से। असली मुजरिम जो भी था वो दोनों से जुड़ा हुआ और शायद दोनों से ही चोट खाया हुआ था। पर कुछ लोग ऐसे भी थे जो अब भी पर्दे में थे और इसीलिए वो पुलिस के शक के दायरे से भी बाहर थे। उनके इरादे, उनकी मंशा अब भी गुप्त थी, लेकिन जल्द ही सारे नकाब उतरने वाले थे और सच सामने आने वाला था। माँ कहाँ जा रही हो? पुलिस स्टेशन, समीर के कातिल के बारे में पता करना। अरुणा जी, समीर और रचना के कातिल को हम ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, क्या आपको भी इसी पर शक है? नहीं, लेकिन जिसने भी ये किया है उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। मुश्ताक ने स्केच बनवाया, क्या आप इसे जानते हैं? इसने समीर की बाइक बेची थी। सर इसे तो मैंने समीर भैया के साथ देखा था। संध्या। जी भैया। हम लोग आगे ही जा रहे हैं तेरे घर की तरफ से, तुझे छोड़ देंगे। जी। ये पृथ्वी भैया उज्जैन से। नमस्ते। पृथ्वी उज्जैन से? नम्रता और रचना भी उज्जैन से हैं। और कुछ याद है इस आदमी के बारे? थैंक यू भैया। हाँ सर, कार का नंबर नोट कर लीजिए, MPXY0001। सर नंबर प्लेट के नीचे पृथ्वी की जान जैसा कुछ लिखा था। ये लीजिए वकील साहब, मैंने आपसे कहा था ना कि जो मैं चाहती हूँ वो मैं कपिल से साइन करवा लूंगी। उसने बिना पढ़े बिना देखे इन पेपर्स पे साइन कर दिए। इसमें डिवोर्स पेपर्स के साथ साथ प्रॉपर्टी के पेपर्स भी हैं जो अब उसने मेरे नाम पे ट्रांसफर कर दिए। बोल। रचना और मैं एक दूसरे से प्यार करते थे, हम दो साल से एक साथ थे, फिर से लेट हो गए, फिल्म की शुरुआत मिस हो जाएगी यार। अरे वैसे भी मैं कौन सा फिल्म की स्टोरी में इंटरेस्टेड हूँ। चलें पॉपकॉर्न भी लेना है। जा रही हो तुम? हाँ, और रुकी तो तुम्हारे पापा घर आ जाएंगे और फिर पूरे उज्जैन में बात फैल जाएगी। एक काम करे, शादी कर लेते। मुझे नहीं करनी कोई शादी वादी, एक काम करो तुम कर लो शादी। अरे ये क्या मजाक है रचना। अच्छा सुनो, अगर तुम अभी शादी के लिए तैयार नहीं हो तो मैं राह देखूंगा। मैं राह देखता रहा और रचना ने अचानक अपनी राह बदल ली। तुम किसी और के साथ शादी कर रहे हो? हाँ मैं तुम्हारे लिए इतने सालों से इंतजार कर रहा हूँ और तुम अपनी ही बहन के देवर के साथ शादी कर रही हो। तो तुम्हें इनविटेशन नहीं दिया इसलिए तुम गुस्सा हो। तुम्हारे लिए शादी वगैरह सब मजाक है ना? तो और क्या है, जन्मों जन्म का बंधन। रचना की शादी हो गई, वो जिंदगी में आगे बढ़ गई, लेकिन मैं उसके दिए हुए धोखे में उलझा रहा सर। और इसलिए रचना से बदला लेने के लिए तुम इंदौर आ गए और हरीश अय्यर के फेक आईडी पर एक नया सिम कार्ड खरीद लिया। हाँ सर, मैं उसके बर्बादी की पूरी तैयारी करके आया था। अरे पृथ्वी तुम यहाँ? और वाह क्या रूप है,
बाय द वे ये समीर है मेरे पति। हाय समीर। हाय पृथ्वी। समीर ये पृथ्वी है मेरा कॉलेज फ्रेंड। मैंने समीर से दोस्ती कर ली। मैंने बताया कि इंदौर में पापा की जमीन है इसे मैं बेचने आया हूँ। मैंने जमीन का भाव इतना कम बताया कि रचना और समीर दोनों लालच में आ गए। फिर जमीन दिखाने और टोकन देने के बहाने मैंने उनको बुलाया। हाँ हम लोग निकल रहे हैं। हाँ और समीर ने पैसे भी ले लिए लेकिन ध्यान रखना समीर को हमारे बारे में पता नहीं चलना चाहिए। अरे नहीं नहीं तुम चिंता मत करो मैं कोई भी पुरानी बात नहीं करूँगा। मुझे सिर्फ बिजनेस करना है। हम डिनर करके प्लॉट देखने जाएंगे और फिर डील वहीं पे फाइनल कर देंगे। हाँ हाँ ठीक है। और मैं फिर से बोल रही हूँ समीर के सामने कुछ भी मत बोलना। समीर समीर चल। ये कहाँ है? संभाल के थोड़ा ही आ गया है प्लॉट। रचना? हाँ रचना आएगी पीछे से। आ जा। समीर समीर कहाँ है? मैंने समीर की लाश वही उज्जैन में छोड़ दी और रचना की लाश मैंने इंदौर में आके फेंक दी। दोनों के फोन मैंने तोड़ के नाले में फेंक दिए और अगले दिन समीर की बाइक ढाबे से उठा ली। पृथ्वी ये सब करके क्या मिला तुझे? मिला सर बदला मिला। एक मिनट, तुम्हें कैसे पता चला कि समीर और रचना के पास इतना सारा पैसा है कि वो तुम्हारी जमीन खरीद सकते हैं? सच सच बता, ये सारी प्लानिंग तूने अकेले नहीं की थी? सर मुझे बताया गया था कि उनको दुकान का किराया मिलता है। वो कहाँ जाते हैं कहाँ घूमते हैं इन सब की डिटेल बताई गई थी। सच सच बता दे कौन है इस केस का मास्टरमाइंड? सर ये पृथ्वी सच कह रहा है या अपना किया किसी और के सर पे डाल रहा है? अगर ये पृथ्वी झूठ बोल रहा है तो हमारे पास कोई सबूत नहीं, लेकिन अगर ये पृथ्वी सच भी बोल रहा है तो हमें उसका कन्फेशन चाहिए होगा। लेकिन मुझे लग रहा है कि ये पृथ्वी हमारे साथ खेल खेल रहा है। सच जाने के लिए हम भी खेल खेलते, उठा दे उसको। पृथ्वी ने सब कबूल कर लिया, तेरी बारी है। अरे मैंने कुछ नहीं किया सर। सर मेरे पति ऐसा नहीं कर सकते। पृथ्वी ने खुद विनय का नाम लिया है। झूठ बोल रहा है पृथ्वी, मेरे पति ऐसा कर ही नहीं सकते। आपके सामने ही आपके पति से हम सच उगलवाते हैं। चलिए बोल, चल बोल। विनय विनय आप ठीक है ना? इन्होंने आपको कुछ किया तो नहीं? अब तक तो कुछ नहीं किया है लेकिन आगे का वादा नहीं कर सकते। बेहतर यही होगा कि तू सच बता दे। मैंने कुछ नहीं। तू ऐसे नहीं बोलेगा, लगता है सच उगलवाने की स्पेशल ट्रीटमेंट तुझे देनी ही पड़ेगी। सर मेरा सर, बोल। मैंने मरवाया रचना और समीर, इन्हें कुछ नहीं पता, इन्होंने कुछ नहीं किया। ये तो क्या कह रही है नम्रता? सच बोल रही है वो। सारा सच हम पहले से ही जानते थे, बस वही सारा सच हम तुम्हारे मुंह से सुनना चाहते थे, इसीलिए तुम्हारे पति विनय को पकड़ने का नाटक हम लोगों ने किया था। सारी कहानी बताओ, सारा प्लान बताओ। सारा प्लान मेरा था। मैं नहीं चाहती थी कि रचना और समीर जिंदा बचे, पर इसके लिए मुझे किसी की मदद की जरूरत थी। तुम्हारा ध्यान कहाँ था? नहीं था। नम्रता, रचना कितनी देर लगा दिया आने में? मम्मी से कितना झूठ बोलू तेरे लिए? तो क्या सच बता दोगी, मुझे डांट खाने दोगी और फिर मैं पृथ्वी मेरे प्यार से कैसे मिलूंगी? नहीं ऐसे नहीं है दीदी, अगर ऐसा नहीं है तो फिर हम कल का भी प्लान बना ले, आप संभाल लोगी ना? हाँ संभाल लूंगी, तू नाटक बनकर। नम्रता थैंक यू सो मच, अगर तुम नहीं होती तो मैं से रोज मिल भी नहीं पाता। मैं पृथ्वी और रचना के रिश्ते के बारे में कॉलेज से जानती थी, मुझे पता था पृथ्वी उससे कितना प्यार करता था और अब भी करता है, इसलिए मैंने तय किया और पृथ्वी से मिलने चली गई। नम्रता हाय। आओ ना अंदर। तुम्हें याद है पृथ्वी,
कॉलेज में तो मेरे तेल वाले बालों का कितना मजाक उड़ाते थे। चंपू चाची के नाम से सब जानते थे तुम्हें। चंपू चाची? और वो नाम मैंने रखा था। क्या दिन थे ना वो, याद है तुम रचना के कितने दीवाने थे। नम्रता, रचना की बात फिर कभी मत उठाना। मैं अभी भी तकलीफ में हूँ और उसे बुला नहीं पाया हूँ। आई एम सॉरी, आई अंडरस्टैंड। रचना ने तुम्हें बहुत चोट पहुँचाई है और वो आज भी वही कर रही है। शादी उसने समीर के साथ की है मगर सुहागरात सबके साथ मना रही है। पृथ्वी, क्या किया तुमने? कट गया हाथ। रचना का नाम मेरे सामने कभी मत लेना। बहुत मुश्किल से उसे भूलने की कोशिश कर रहा हूँ। पापा भी चाहते हैं कि मेरी शादी अदिति से हो जाए, पर वो लड़की भी अच्छी है, बस मेरा मन नहीं कर रहा। मैं जानती हूँ कि रचना ने तुम्हें बहुत दुख दिया है, मगर सच कहूँ तो रचना पहले से ही बहुत सेल्फिश थी। उसने कभी किसी के बारे में नहीं सोचा और उसने तुम्हारे साथ जो किया है उसके बाद तो शायद तुम हमेशा तकलीफ में रहोगे, कभी मूव ऑन नहीं कर पाओगे। लेकिन तुम ये सब मुझे क्यों कह रही हो? क्योंकि मैं खुद तकलीफ में हूँ। मैं बस चाहती हूँ कि रचना समझे कि वो इस तरह लोगों के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकती। पृथ्वी, तुम रचना को मार डालो। क्या? देखो, उसने तुम्हारे साथ जो किया है और वो बाकी कई लोगों के साथ कर रही है, वो सही नहीं है, उससे रोकना होगा। मैं मानता हूँ कि मुझे रचना पे बहुत गुस्सा है और उसको मारने से ही मुझे सुकून मिलेगा, लेकिन सिर्फ सुकून के लिए मार दूँ? पूरा रिस्क मेरा और फायदा सिर्फ तुम्हारा हो रहा है, मेरा कुछ फायदा नहीं हो रहा है यहाँ पे। तुम्हें मुझसे जो फायदा उठाना उठा, बस रचना और समीर को मार डालो। तुमने रचना को मारने का प्लान सिर्फ इसलिए किया था क्योंकि तुम्हें लगा था कि रचना की हरकतों की वजह से तुम्हारा घर टूट सकता है। मुझे उसके अफेयर के बारे में पहले से ही मालूम था, मगर जब मुझे पता चला कि वो किस हद तक गिर चुकी है तो मैं हिल ही गई। वो किसी के साथ भी सो रही थी और उसके बदले में उसके क्लाइंट्स उसे। रचना प्रोस्टिट्यूशन में है, ये बात तुम्हें पहले से ही पता थी? मेरी टिफिन सर्विस की हेल्पर संध्या, उसका पति उसी होटल में काम करता था जहाँ रचना जाके। मैंने रचना को कई बार समझाने की कोशिश की। हाँ, धंधा करती हूँ। धंधा तो सभी करते हैं ना दीदी, आप भी तो टिफिन का धंधा करती हैं, पेट की भूख मिटाती हैं और मैं शरीर की, और इसमें साथ साथ कमाई होती है दीदी, वो अलग। हे भगवान, रचना तो कितनी बेशरम हो गई है। अगर समीर को पता चला तो, बाकी घर वालों को पता चला तो क्या दीदी, तब की तब देख लेंगे ना, और वैसे भी समीर से कहीं बेहतर मिल जाएंगे मुझे। रचना, तेरे साथ साथ मेरा भी नाम जुड़ा हुआ है, तेरी हरकतों की वजह से मेरा घर टूट जाएगा। अरे, हमारे परिवार की बदनामी होगी सो अलग। रचना, माँ को मरे एक साल भी नहीं हुआ है, सोचो कि आत्मा को कितनी ठेस पहुंचेगी। अरे दीदी, आप किन बातों को लेकर बैठ गई हो? ये समाज वमाज कुछ नहीं होता है, लोग सिर्फ चार दिन बातें करेंगे उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन जिंदगी दीदी एक ही है और मैं अपनी जिंदगी अपने मन मुताबिक जीना चाहती हूँ, अपनी मर्जी से। रचना समझ ही नहीं रही थी, वो घर परिवार समाज किसी के बारे में नहीं सोचना चाहती थी, बस अपने मन की करना चाहती थी जैसे वो बचपन से करती आ रही थी, मगर बस बहुत हो चुका था, मैं उसे अपना घर उजाड़ने नहीं दे सकती थी। लेकिन समीर को क्यों मरवाया? पूरा किराया देकर आपने कोई एहसान नहीं किया मुझे, वैसे भी वो मेरा हक है जो पिछले कई सालों से आप मुझसे छीनते आ रहे हैं। मैं छीनते आ रहा हूं? मैं छीनता आ रहा हूं? हां, तुम समीर भी रचना जैसा ही था, उन दोनों को घर की इज्जत की कुछ पड़ी नहीं थी, वो दोनों तो बस घर की शांति खराब करने पे तुले थे, उन्हें बस बर्बाद करना आता था। वो दोनों तुम्हारा घर बर्बाद कर देंगे इस डर से तुमने खुद अपने हाथों से अपना घर बर्बाद कर लिया है। मैंने मुझसे गलती हो गई, लेकिन मैं डर गई थी, मुझे लगा कि रचना की सच्चाई जानकर आप मुझे छोड़ देंगे, हमारे परिवार की इज्जत, समाज, हम सबको क्या मुंह दिखाते। गुस्सा मेरे अंदर भी था, लेकिन तुम अपने गुस्से और नफरत में इतनी अंधी हो गई थी कि तुमने इतना भी नहीं सोचा कि जो आग तुम लगाने जा रही थी वो तुम्हारा अपना घर भी राख कर देगा। तुमने सब कुछ खत्म कर दिया नम्रता। नम्रता शुक्ला और पृथ्वी त्यागी पर आईपीसी की धारा 302 के तहत हत्या के लिए और धारा 120 के तहत साजिश के चार्जेस लगाए गए।
पृथ्वी पर बलात्कार के लिए धारा 376 भी लगाई गई है और दोनों इस वक्त न्यायिक हिरासत में है। रचना का शादी और समाज की मर्यादाओं की परवाह किए बिना बेलगाम जीना नम्रता को मंजूर नहीं था। नम्रता को जो डर था उसके लिए वो अपने पति से बात कर सकती थी। कई बार गलत ख्याल हम पर हावी हो जाता है, लेकिन किसी अपने से, किसी करीबी से बात करने से हम वो गलत कदम उठाने से बच सकते हैं। कुछ भी करने से पहले ये जरूर सोचें कि उसका आप पर और आपके परिवार वालों पर क्या असर होगा। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी एक नए केस के साथ। देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क सोमवार से शुक्रवार रात 11 बजे, और याद रखें क्राइम और आपके बीच में सिर्फ इतना फर्क है कि आप कितने सतर्क हैं। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।